हेलो फ्रेंड्स मैं रीटा के क्रिएशंस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज मैं आपके लिए खूबसूरत से थम्प सॉक्स लेकर आई हूँ ये सॉक्स बनाने बहुत ही आसान है देखिए ये बनकर बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और ये मैंने सिक्स टू तो सेवन फुट साइज़ के लिए बनाए हैं ये लेडीज शूज के लिए हमने इक्यावन फंदे लिए हैं फिफ्टी वन स्टिचेस लिए हैं फंदे डाल के हमने ये पहली सिलाई उल्टी साइड से सारी उल्टी बुनाई करनी है हम सारे फंदों को उल्टा ही बुनाई करेंगे आखिर का एच स्टिच हम सीधा बुनाई करेंगे अब हम ये सीधी साइड आ गए अब आप ध्यान से देखिए हमने पहला फंदा उतार लेना है अब दो फंदे हम उल्टे बुनाई करेंगे धागा पीछे करेंगे पांच फंदे सीधे बुनाई करेंगे पांच फंदे हमने सीधे बुनाई किए धागा आगे करके ये हमारे टोटल आठ फंदे हो गए यहाँ पर भी हमने आठ फंदे छोड़कर बाकी सारे फंदे उल्टे बुनाई करेंगे एक दो तीन चार पांच छ सात आठ ये आठ फंदे हमारे आखिर में बच गए धागा पीछे करेंगे इनमें से पांच फंदे हम सीधे बुनाई करेंगे फिर दो फंदे हम उल्टे बुनाई करेंगे आखिर का फंदा हम सीधा बुनाई करेंगे अब हम ये उल्टी साइड आ गए रोंग साइड तो रोंग साइड से हमने पहला फंदा उतार लेना है और ये सारी सलाई उल्टी बुनाई करनी है सारे फंदों को हम उल्टा बुनाई कर देंगे अब हम सीधी साइड आ गए अब हम शूपर डिजाइन डालेंगे तो वो कैसे डालना है मैं आपको बताती हूँ तो ये हमारी डिज़ाइन की पहली सलाई है पहला फंदा हमने उतार लिया दो फंदे उल्टे धागा पीछे की तरफ करेंगे ये हमारे टोटल बीच में पांच फंदे सीधे हैं तो एक दो तीन ये तीसरे फंदे को हमने इन दोनों फंदों के ऊपर से ऐसे निकाल देना है फिर हम एक फंदा सीधा धागा आगे की तरफ करेंगे एक फंदा ऐसे बल डालकर सीधा यहाँ पर हमारी जाली बन गई फिर ये दो फंदे हमारे सीधे हैं तो ये दो फंदे हम सीधे बुनाई कर देंगे ये देखिए अब ये एंड तक जब तक हमारे आठ फंदे नहीं आ जाते तो ये सारी सलाई हम उल्टी बुनाई करेंगे बीच के फंदे ये देखिए आखिर के हमारे आठ फंदे आ गए ये पांच फंदे हमारे सीधे हैं हम धागा पीछे की तरफ करेंगे एक दो तीन ये तीसरे वाले फंदे को हमने दोनों फंदों के ऊपर से ऐसे निकाल देना है फिर देखिए हमने एक फंदा सीधा धागा आगे की तरफ करके एक फंदा सीधा यहाँ पर हमारी एक जाली बन गई और ये तीन फंदों के तीन फंदे हो गए फिर दो फंदे सीधे ये दो फंदे उल्टे आखिर का एक फंदा हम सीधा बुनाई करेंगे अब ये हम उल्टी साइड आ गए रोंग साइड रोंग साइड की हम सारी सलाइया उल्टी ही बुनाई करेंगे अब फिर हम सीधी साइड आ गए ये हमारी डिजाइन की तीसरी सलाई है सीधी साइड से पहला फंदा उतार लेंगे अब दो फंदे उल्टे ये देखिए पहले हमने यहाँ पर डिज़ाइन डाला था अब हम ये दो फंदे फ्रंट वाले सीधे बुनाई करेंगे एक और एक जाली वाला फंदा सीधा बुनाई किया अब ये देखिए सीधे तीन फंदे एक दो तीन ये तीसरे फंदे को हमने इन दोनों फंदों के ऊपर से ऐसे निकाल देना है फिर एक फंदा सीधा धागा आगे की तरफ करके ऐसे जाली बनाते हुए एक फंदा सीधा बीच में हमारे ये पांच फंदे ही हो गए अब हमने यहाँ पर इस डिज़ाइन को पलटा दिया बीच के फंदे हम उल्टे बुनाई करेंगे धागा पीछे किया ये देखिए पांच फंदे आगे हमारे हमने पहले यहां पर इस डिजाइन को डाला था अब ये दो फंदे हम सीधे बुनाई करेंगे ये देखिए ये हमारे तीन सीधे फंदे आगे ये तीसरे फंदे को हमने दोनों फंदों के ऊपर से ऐसे निकाल देना है फिर एक फंदा सीधा धागा आगे की तरफ करके एक फंदा सीधा अब यहाँ पर हमारी ये जाली बन गई बीच में हमारे ये पांच फंदे ही रहेंगे हमने दोनों साइड ही ये सेम डिजाइन बनाना है धागा आगे करेंगे दो फंदे उल्टे आखिर का फंदा हम सीधा बुनाई करेंगे अब हम ये रोंग साइड आगे उल्टी साइड ये डिजाइन की चौथी सलाई है उल्टी साइड से हमने सारी सलाइया उल्टी ही बुनाई करनी है और फिर हम देखिए सीधी साइड आ गए ये चार सिलाइयों का हमने ये डिज़ाइन बनाया है अब फिर से इन चार सिलाइयों को ही हमने बार बार रिपीट करना है अब मैं आपको ये दिखाती हूँ कैसे पहला फंदा उतार लेना जैसे हमने डिजाइन की पहली सिलाई बनाई थी ये दो फंदे उल्टे धागा पीछे करेंगे देखिए पहले हमने डिजाइन यहाँ पर बनाया था फिर नेक्स्ट में हमने यहाँ पर बनाया अब फिर से हम यहाँ पर बनाएंगे ये देखिए अब ये तीन फंदे सीधे ये जाली वाला फंदा आ गया तो ये एक दो तीन ये तीन फंदे हमें सीधे दिखाई दे रहे हैं तो इनको तीसरे फंदे को हमने दोनों फंदों के ऊपर से निकाल दिया एक फंदा सीधा धागा आगे की तरफ करेंगे एक फंदा सीधा यहाँ पर हमारी जाली बन गई फिर अब दो फंदे ये वाले हम सीधे बुनाई करेंगे ऐसे ही, ही हमने डिजाइन लास्ट में भी दूसरी साइड भी हमने पांच फंदों पर डालना है देखिए एंड में हमारे ये पांच फंदे आ गए ये एक दो तो, तीन ये तीन फंदे सीधे हैं ये तीसरे फंदे को हमने ये दोनों फंदों के ऊपर से निकाल देंगे फिर एक फंदा सीधा बुनाई करेंगे धागा आगे की तरफ करके फिर एक फंदा सीधा बुनाई करेंगे यहाँ पर हमारी जाली बन गई फिर ये दो फंदे हम सीधे बुनाई करेंगे आखिर के दो फंदे उल्टे और एच स्टिच हम सीधा बुनाई करेंगे रॉन्ग साइड की हम सारी सलाई उल्टी ही बुनाई करेंगे ये देखिए दोनों साइड से हमारे ऐसे बेल बनाते जाना है अब फिर सीधी साइड आ गए तो पहला फंदा उतार लेंगे अब दो फंदे उल्टे जैसे हमने डिज़ाइन की तीसरी सिलाई बनाई थी सेम वैसे बनानी है अब ये देखिए ये दो फंदे अब हम सीधे बुनाई करेंगे ये देखिए ये हमारे अब तीन फंदे सीधे दिखाई दे रहे हैं अब यहाँ पर ये तीसरे फंदे को हमने इन दोनों फंदों के ऊपर से निकाल देना है एक फंदा सीधा धागा आगे करके एक फंदा सीधा अब यहाँ पर हमारी जाली बन गई बाकी बचे फंदे हम उल्टे बुनाई करेंगे अब हमने ऐसे ही बनाते जाना है। दोनों साइड सेम बेल बनाएंगे और अब मैं आपको ये इतना कंप्लीट करके बताती हूँ ये देखिए ये हमारा शू बनकर तैयार हो गया है यहाँ से अगर हम धारियाँ काउंट करेंगे तो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस और बत्तीस ये हमारी बत्तीस लाइंस हैं तो हमने ये चौसठ सलाइयाँ बुनाई की हैं सिक्सटी फोर रोज़ हमने उल्टी उल्टी बुनाई की है और दोनों साइड हमने ये बेल बनाई है अगर आप इसको अपने पैर से नापेंगे तो देखिए ऐसे यहाँ पर इसको ऐसे एडी की तरफ रख कर हमने इसको देखिए बहुत ज्यादा स्ट्रेच होता है तो हमने ये इतना ही बनाना है अब ये हमारी सीधी साइड है अब सीधी साइड से हम ये सारी सलाई एक उल्टी बुनाई करेंगे तो पहला फंदा उतार लिया और अब ये सारी सलाई उल्टी बुनाई करेंगे अब हम देखिए कोई डिजाइन नहीं डाल रहे अब हम ये रॉन्ग साइड आ गए रॉन्ग साइड से भी हमने पहला फंदा उतार लेना है और ये सारी सलाई उल्टी बुनाई करेंगे अब हम शू का अंगूठा और उंगलियों का पार्ट बनाएंगे तो एक शू में हमने अंगूठे का पार्ट पहले बनाना है और उंगलियों का पार्ट हम बाद में बनाएंगे और दूसरे वाले पैर के शू में हमने उंगलियों का पार्ट पहले बनाएंगे और अंगूठे का पार्ट हम बाद में बनाएंगे तो देखिए इस वाले शू में हमने अंगूठे का पार्ट पहले बनाया था तो ये अठारह फंदे हमने अंगूठे के लिए रखे हैं और तैतीस फंदे हमारे ये उंगलियों के लिए थे तो पहले हमने इस वाले शू में अंगूठा पहले बनाया था उंगलियों का पार्ट बाद में बनाया था तो इसमें हम उंगलियों का पार्ट पहले बनाएंगे तो यहाँ पर हम अब तैतीस फंदे रखेंगे अब ये हम हमने मार्कर लगा लिया है तैतीस फंदों पर ये हमारा उंगलियों का पार्ट हम बनाएंगे तो पंद्रह पंद्रह फंदे हम दोनों साइड रखेंगे बीच में हमारे ये तीन फंदे होंगे तो अब ये कैसे बनाना है मैं आपको बताती हूँ अब हमने ये पंद्रह फंदे बुनाई करेंगे इसको एक काउंट कर लेंगे एक ये सीधे बुनाई कर रहे हैं दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह और पंद्रह ये पंद्रह फंदे हमने सीधे बुनाई कर लिए ये देखिए बीच में हमारे एक दो तीन ये तीन फंदे आ गए तो ये दो फंदों को हमने यहाँ से देखिए ऐसे सलाई लेनी है इस साइड से हमने सलाई लेके इनको पलटा देना है ये देखिए बीच वाला फंदा हमारा आगे की तरफ आ गया और जो हमारा पहला फंदा था वो अंदर चला गया बीच में आ गया अब इन दोनों फंदों को हम इस सलाई पे ऐसे लेंगे और ये तीसरे फंदे को साथ लेकर हम ये तीन फंदों का ऐसे पीछे से एक फंदा बना देंगे ये देखिए बाकी बचे पंद्रह फंदे हम सीधे बुनाई कर देंगे ये देखिए अब यहीं से हमने टर्न कर लेना है इन इन फंदों को हम नहीं बुनाई करेंगे तो यहीं से हमने इसको उल्टी साइड की तरफ हमने पलटा लिया अब ये सारे फंदों को हम उल्टा बुनाई करेंगे अब हम कोई फंदा नहीं घटाएंगे ये देखिए यहाँ पर बीच में हमारी ये फली सी बन गई अब हम चौदह फंदे सीधे बुनाई करेंगे पहला फंदा हमने ये एक काउंट करेंगे दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह ये हमने चौदह फंदे बुनाई कर लिए ये देखिए हमारे बीच में एक दो तीन ये फली वाला फंदा आ गया अब इनको हमने ऐसे सलाई लेके पलटा देना है ये फली वाला फंदा हमारा ये देखिए आगे की तरफ आ गया पहला वाला फंदा बीच में चला गया अब ये दोनों फंदों को इस सिलाई पे लेके ये तीसरे फंदे को साथ लेकर हमने तीनों फंदों को पीछे से एक फंदा बनाना है ये देखिए अब बाकी चौदह फंदे हम सीधे बुनाई कर देंगे अब यहीं से इसको हमने टर्न कर लेना है उल्टी साइड रोंग साइड तो ये सारी सलाई उल्टी बुनाई करनी है रोंग साइड की हमने सारी सलाइया उल्टी ही बुनाई करनी है रॉन्ग साइड से कोई फंदा नहीं घटाएंगे अब फिर देखिए हम सीधी साइड आ गए अब हमने तेरह फंदे सीधे बुनाई करेंगे फिर बीच में हमने ये एक दो तीन, तीन तीन फंदों को हम घटाएंगे ऐसे करके अब हम जब तक हमारी सलाई पे नौ फंदे इधर रह जाएंगे नौ फंदे इधर रह जाएंगे बीच का हमारा एक फंदा मिला के ये हमारे उन्नीस फंदे होंगे तब तक हमने ये बीच में से फंदे घटाते जाना है अब मैं आपको इतना कंप्लीट करके बताती हूँ अब ये हमारा उंगलियों का पार्ट कंप्लीट हो गया हमने ये देखिए बीच में से फंदे हम घटाते गए हैं अब यहाँ पर हमारे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ नौ फंदे इस साइड हैं और नौ ही फंदे हमारे इस साइड हैं बीच में हमारा एक फंदा ये हमारे टोटल उन्नीस फंदे हैं नाइनटीन स्टिचेस हैं अब हम इसको बंद करेंगे तो कैसे बंद करना है हमने यहां से धागे को काट देंगे और इसी धागे को ही हम सुई में डालेंगे अब हम ये सारे फंदों को इस सुई में से निकाल देंगे एक बार फिर से हम सारे फंदों को सुई में से निकालेंगे ये देखिए हम यहां से इसको ऐसे पक्का कर देंगे अब हम इस धागे को निकाल देंगे और इसको हम बाद में सिलाई करेंगे अब हम अंगूठे का पार्ट बनाएंगे तो ये देखिए अंगूठे के लिए हमने अठारह फंदे लिए हैं एटीन स्टिचेस लिए हैं तो ये सीधी साइड से हमने धागे को अटैच करना है ये देखिए हमने अब इस धागे को ये सीधी साइड से हम अटैच कर रहे हैं जोड़ रहे हैं अगर हम उंगलियों का पार्ट भी बनाते तो हम सीधी साइड से ही धागे को अटैच करते और इस धागे को हम ऐसे अंदर की तरफ करते जाएंगे अब हम ये उल्टी साइड आ गए रोंग साइड तो रोंग साइड से हमने पहला फंदा उतार लिया और ये सारे फंदों को उल्टा बुनाई करेंगे ये हमारी दूसरी सलाई है अब फिर देखिए हम सीधी साइड आ गए फिर से हमने पहला फंदा उतार लिया ये हमारी तीसरी सलाई है ये हम सारी सीधी बुनाई करेंगे अब ऐसे करके हमने ये टोटल अठारह सलाइयाँ बनानी है, तो तीसरी सलाई हमारी ये हम बुनने वाले हैं तो हम बाकी बचे पंद्रह सलाइयाँ और बनाएंगे सीधी साइड से हम सीधा बुनाई करेंगे और उल्टी साइड से हम उल्टा बुनाई करेंगे अब ये देखिए ये हमारा उंगलियों का पार्ट भी कंप्लीट हो गया ये हमने 18 सलाइया बुनाई कर ली हैं। अब हम यहां से इस धागे को काट देंगे और इसी धागे को हम सुई में डालेंगे अब ये सारे फंदे हम इस सुई में से निकाल देंगे एक बार दोबारा से हम सारे फंदों को सुई में से निकालेंगे ये देखिए अब हम इसको यहां तक पहले ये देखिए उल्टी साइड हमारी बाहर की तरफ है अब हम यहां तक इसको पहले सिलाई करेंगे जहाँ से हमने ये अंगूठा स्टार्ट किया था ये बचा हुआ धागा हम सारा अंदर की तरफ कर देंगे अब पहले हम यहां तक इसको जहां से हमने उंगलियों का पार्ट स्टार्ट किया था वहां तक पहले इसको सिलाई करेंगे ये देखिए हमने उंगलियों का पार्ट भी सिलाई कर लिया अब हम इसको ऐसे ये वाला पार्ट सिलाई करेंगे तो ये हम यहाँ तक ऐसे अंदाजे से सिलाई करेंगे और ये पार्ट हम देखिए इतना पोर्शन हम पैर डालने के लिए रखेंगे और ये हम पीछे का सारा पार्ट भी सिलाई करेंगे तो कैसे अब हम सिलाई करेंगे पहले हम यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी सिलाई करेंगे ये पैर डालने के लिए हम इतना पार्ट छोड़ देंगे और इसको हमने खींच के सिलाई नहीं करना ये देखिए ये हम इतना पार्ट पैर डालने के लिए रख लेंगे अब हम यहां से इसको पक्का कर देंगे तो यहाँ दो तीन टांके हम लगा लेंगे और ये देखिए बाकी का हम ये धागा ऐसे अंदर की तरफ से इसको अंदर कर देंगे अब ये देखिए ये हम इसका पीछे का पार्ट सिलाई करेंगे तो पहले हम यहां तक इसको सिलाई करेंगे ये नीचे का मैं आपको बताती हूँ कैसे सिलाई करेंगे तो ये हमारा पैर डालने के लिए यहां से और ये हम पीछे वाला पार्ट अब सिलाई कर रहे हैं अब ये देखिए अब इसको हम राउंड सिलाई करेंगे गोल सिलाई करेंगे तो कैसे हम सिलाई करेंगे इसको ऐसे पास पास हम ये ऐसे टांके लेते जाएंगे और इसको हमने ऐसे राउंड बना लेना है ये देखिए अब यहां से हम इसको ऐसे पक्का कर देंगे बाकी एक्स्ट्रा धागा हम देखिए ऐसे अंदर की तरफ कर देंगे ये देखिए ये हमारे दोनों शूज अब बनके तैयार हो गए हैं ये दोनों शूज के थम्स आमने सामने होने चाहिए ऐसे ये खूबसूरत सा शू आप अपने लिए बनाए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें धन्यवाद